क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस से सोशियोलॉजी का कॉम्बीनेशन बनता है एसएसटी का कि नहीं, दूसरा है कि पंजाबी लिटरेचर नाल पढ़िया है। सिंपल आंसर है कि तुहाडा एसएसटी नाल बनता है, लेकिन फर्दर गाइडेंस जरूरी है। तुहाडे कोल है पॉल साइंस, सोशियोलॉजी और पंजाबी, तुसी इलेक्टिव पढ़ी हुई है, ई इत्थे लिख लिया। क्योंकि जिहड़ियां 13 सोशल साइंसिज, दो पॉजिटिव गल्लां की है कि 13 सोशल साइंसिज विच दोनों ही साइंसिज आंदियां हन, दैट इज़ वाई तुहाडा एसएसटी कॉम्बीनेशन बनता है। दूसरी गल कि पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि 4 स्कूल सबजैक्ट पोलीटिकल साइंस, इत्थे लिख देवां दुबारा, पॉल साइंस, इकनॉमिक्स, जोग्राफी, हिस्ट्री, इन्हां दे विच्चों कोई एक सबजैक्ट, स्कूल सबजैक्ट जरूर पढ़िया होवे, तुसीं उह पढ़िया है पी एस टैट जां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड विच जिहड़ियां पोस्टां निकलदियां गवर्नमेंट जॉब, उहदे लई तुसीं एलिजिबल हो। लेकिन सी टैट करके, मतलब सेंटर बोर्ड दियां जिहड़ियां गवर्नमेंट जॉब निकलदियां हन, उहनां लई तुसीं एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उह कहिंदे हन कि हिस्ट्री जां जोग्राफी चों इक दो सबजैक्टां चों इक आ जां आ, इन्हां चो ऑप्शन दिंदे हन, कोई तुसी पढ़िया होवे ओ इन्हां चो जोग्राफी जां हिस्ट्री तुसी नहीं पढ़िया, पॉल साइंस पढ़िया है, पंजाब स्कूल लई तुसी एलिजिबल बनोगे गवर्नमेंट जॉब लई, और तुसी सीबीएसई लई नहीं बनोगे, उहदे लई तुहानूं एडिशनल पेपर हिस्ट्री देना ही पएगा। सी टैट करन दा तुहानूं तां फायदा है, इहदा मतलब इह नहीं है कि सी टैट च अपीयर नहीं होना, जां पी एस टैट च हाँ जी तुसी होना ही होना है। दूसरा, पंजाबी लई तुसी बिल्कुल एलिजिबल हो, एस एस टी पंजाबी तुहाडा कॉम्बीनेशन बनता है। पंजाबी दे तुहानूं दो फायदे हन, टी जी टी लई एलिजिबल बन रहे हो, जे एम ए पंजाबी कर रहे हो तो पी जी टी लई भी तुसी एलिजिबल बनते हो। और गाइडेंस तुहाडे लई की है कि सिलेक्शन टेस्ट बेसिक क्राइटेरिया बनता है। सो सब तो ज़्यादा मेहनत अपनी नॉलेज मास्टरी उस विच सोशल साइंस है, तो नैचुरली है कि चार ही साइंसिज तुहानूं सोशल साइंसिज स्कूल वालियां पढ़निया पैणगियां, उहदी अच्छी तरह तैयारी करो, पंजाबी दी अच्छी तरह तैयारी करो, बेसिक इह जां पी एस टैट जां इह जां सी टैट जिहनूं टी ई टी कहिंदे हां ना, उहदे क्राइटेरिया मन्ने जांदे हन गवर्नमेंट जॉब नूं देण लई। दैट इज़ ऑल। बी एड दे किथे भी मार्क्स काउंट नहीं हो रहे।